खमा गणी केम छो दोस्तों, आपको मैंने अब तक जो है मेरी चैनल पे सारी चीजें IRCTC के बारे में बताई है, जैसे कि IRCTC ऐप पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, IRCTC ऐप से आप टिकट कैसे बुक कर सकते हो, आप टिकट को कैंसिल भी कैसे कर सकते हो ये बता दिया। फिर आप IRCTC की वेबसाइट से जो नई वाली जो वेबसाइट है जो बस ये 2021 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुई है, तो इसमें भी आप किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप उस बुक की हुई टिकट को कैंसिल कर सकते हो IRCTC की न्यू वेबसाइट पे। तो इसमें हमें ऑप्शंस क्या मिलते हैं जब हम कैंसिल करते हैं, तो एग्जैक्टली क्या होता है वो सारी चीज़ें चलो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जितने भी सारे IRCTC के वीडियोज़ हैं उन सारों की मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाके उसे ईजिली चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप शेयर जरूर कीजिएगा, इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड जैसे आप देख सकते हो मैंने IRCTC की ये वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो अब वहीं से आप जाके आप क्लिक कीजिएगा या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाइए, ये आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जैसे ही आप ये होम पेज पे आओगे तो फिलहाल आपका लॉगिन नहीं रहेगा। ये आप कैसे चेक कर सकते हो, ये जो साइड बार यहाँ पे जो दिया है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लॉगिन अभी लिख के आ रहा है। तो पहले हमें लॉगिन करना ज़रूरी है हमारे टिकट्स को कैंसिल करने के लिए। तो चलो सबसे पहले इस लॉगिन पे कर देते हैं क्लिक। ये करते ही हमें यहाँ पे ये मेरा तो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ऑलरेडी फिल्ड अप है, फिर मुझे सिर्फ यहाँ पे जो कैप्चा कोड है ये मेंशन करना है। ये मैंने कर दिया साइन इन, ओके ये गलत हो गया। तो ये ध्यान रखें कि आप कैप्चा कोड आप हमेशा आप सही आप इनपुट करें। जैसे आप ये कर लोगे, ये देखिए यहाँ पे ये लॉगिन होने के बाद अब ये साइड बार पे लिख के आ गया है वेलकम अंकुश शाह और नीचे मेरा यूज़र आईडी भी आ गया है। अब इसके बाद हमें टिकट कैंसिल करनी है, राइट। तो इसमें हमारे पास एक डायरेक्ट एक शॉर्टकट है कि जैसे ही आप ये होम स्क्रीन पे हो और ये पूरा जो आपको डैशबोर्ड मिलता है यहाँ पे आप ये व्यू ऑल जर्नीज पे आप सीधा क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको आपकी सारी की सारी जर्नीज बताएगा, चाहे वो कैंसल्ड हो, अपकमिंग हो या बुक्ड हो, जो भी है। यहाँ पे आपको अपकमिंग पे क्लिक करना है क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो कैंसिल करनी है तो वो टिकट तो आपने यहीं पे बुक की है तो अपकमिंग में आएगी। यहाँ पे आपको आपकी लिस्ट ऑफ टिकट्स आ जाएगी। अब मुझे ये वाले टिकट को करना है कैंसिल, तो मैं इस पर करूँगा इस तरीके से क्लिक। यहाँ पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे ये टिकट की जितनी भी सारी डिटेल्स है ये बता देगा, जैसे कि ये जो मेरी टिकट है ये बांद्रा टर्मिनस से ये अहमदाबाद से बांद्रा टर्मिनस की टिकट है। तो भाई इस टिकट में मुझे अभी अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो वो कितना मिलेगा वो भी हमें बाद में पता चल जाएगा, बट पहले आप देख सकते हो मैंने इसके लिए 208 रुपये और 19 पैसे मैंने पे किए हैं। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये हमें कैंसिल टिकट का ऑप्शन मिलता है, आपको सिर्फ इस पर करना है क्लिक। तो अब ये कैंसिल टिकट पर क्लिक करते देखिए हमें क्या ऑप्शन आता है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ये जो एक वार्निंग सी है, कन्फर्मेशन सा है इनफैक्ट, तो ये आता है तो हम यहाँ पर ओके कर लेंगे। अब इसके बाद हमें ये बताता है कि ये जो ट्रेन है इसकी आप टिकट कैंसिल कर रहे हो एंड ये आपको एक बार प्री कंफर्मेशन बता रहा है। हमने इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी लिया है 49 पैसे का, ये मैंने कैसे लिया था ये मैंने मेरी पहले की वीडियोस में बताया है, तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर इस टिकट में ज़्यादा पैसेंजर्स होते तो हमें सारे पैसेंजर्स के नाम आते, फिर हमें जिसकी टिकट कैंसिल करनी है हम उसके नाम के आगे टिक करते, बट यहाँ पे सिंस ये मेरी अकेली की सिंगल टिकट है इसलिए मुझे सिर्फ यहाँ पे ये टिक किया, फिर मैं इसे करूँगा कैंसिल टिकट। ये जैसे ही देखिए मैंने कैंसिल पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है कि डू यू वॉन्ट टू प्रोसेस द कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, हाँ जी, तो इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हमने इसको ओके किया तो ये हमारी टिकट अब देखिए करंट स्टेटस यहाँ पे ये आ चुका है CAN दैट मीन्स कैंसल्ड। इसी के साथ मुझे एक SMS भी आ चुका है मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे कि आपकी ये जो PNR की जो टिकट है ये कैंसिल कर दी गई है जैसे आपने रिक्वेस्ट किया था वैसे, और 3 से 4 working days के अंदर जो मेरा पैसा है वो मेरे ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट पे उसे रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द टिकट कैंसिलेशन चार्जेस। तो वो जो चार्जेस हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वो आप देख सकते हो। तो उस तरीके से फिर ये फाइनली जो है आपको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इस रिसिप्ट को सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये कर सकते हो।
तो दोस्तों यही है ये सिंपल सा तरीका कि कैसे आप IRCTC की वेबसाइट का, इस न्यू वेबसाइट का यूज करके आप अपनी टिकट का कैंसिलेशन इजीली कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कैंसिलेशन होने के बाद आपको SMS आ जाता है एंड 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर या 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर जो भी SMS में लिखा गया है उस हिसाब से आपको रिफंड आपके ओरिजिनल सोर्स ऑफ पेमेंट पे भी आ जाता है। तो दोस्तों अब इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कोई भी दिक्कत फेस होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए, मैं आपकी इसमें डेफिनेटली हेल्प करूँगा। आप मुझे इंस्टा पे भी या ट्विटर पे भी आप मुझे DM कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको हमेशा रिप्लाइज करते रहता हूँ। तो दोस्तों यही है इस वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।